लॉकडाउन 4 में प्रदेश में अब हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ मॉल्स तथा स्कूल कॉलेजों में दफ्तर खुल सकेंगे। लॉकडाउन 4 की समीक्षा बैठक में मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला किया। एसीएस राजीव स्वरूप ने यह बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में उनके कार्यालय अशैक्षणिक कार्यों के लिए खुल सकेंगे, लेकिन इनमें शैक्षणिक कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे और ना ही इनमें विद्यार्थी आ सकेंगे। और इसी के साथ मॉल्स में स्थित ऑफिसेज भी खुल सकेंगे, लेकिन दुकानें यहां पर नहीं खोली जा सकेंगी। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि ट्रेनों के साथ ही श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल बसों के माध्यम से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि श्रमिक स्पेशल बसों के लिए संचालन के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के स्तर पर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बात हुई है। गहलोत ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से भी जल्द समन्वय कर इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जाए, ताकि श्रमिकों की तकलीफ को कम किया जा सके। मॉल्स में ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी गई है, साथ ही स्कूल और कॉलेजेस में भी जो कार्यालय हैं उन्हें अशैक्षणिक कार्यों के लिए खोलने की इजाजत दे दी गई है। विद्यार्थी वहां अभी भी नहीं आ सकेंगे। मॉल्स में भी ऑफिस को खोलने को लेकर इजाजत दे दी गई है। कोरोना के चलते शिक्षण संस्थाएं हो या फिर वो मॉल्स हो, पूरी तरह से बंद थे। डेंटल क्लिनिक को भी जोनवार खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहां पर करना बिल्कुल अहम होगी, बहुत सख्ती से।